नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए एजुकेशनल वीडियो, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की जितनी भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल सके। चलिए, बाल विकास हम 30 क्वेश्चन ले रहे हैं। ये 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो डिसकैल्कुलिया, देखिए इसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। डिसकैल्कुलिया का संबंध है ए, पढ़ने की अक्षमता से, बी, लिखने की अक्षमता से, सी, आंकिक अक्षमता से, और डी, तार्किक अक्षमता से। तो डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया अर्थात कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन किस में होता है? गणित में होता है, और गणित को हम क्या बोलते हैं? आंकिक, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? डिसकैल्कुलिया का संबंध सी, आंकिक अक्षमता से है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक दो देखते हैं। सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ए, प्रतिस्पर्धा, बी, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सी, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, डी, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। देखिए, बच्चों को यदि अभिप्रेरित करना है तो शिक्षक क्या करेगा? एक उचित वातावरण निर्मित करेगा, है ना, ताकि बच्चे उस वातावरण में इंटरेस्ट ला सके, रुचि ला सके, है। इसलिए क्या है इसका उत्तर होगा? सी, सीखने के लिए एक उचित स्थिति और वातावरण का सृजन। चलिए प्रश्न क्रमांक तीन देखते हैं। निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? है, तो अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व फर्स्ट है कुशल मुख्याध्यापक, सेकंड स्कूल का स्वस्थ वातावरण, थर्ड आदर्श अध्यापक, या फोर्थ पुरस्कार और दंड। तो एक कुशल अनुशासन के लिए अध्यापक की, मुख्य अध्यापक की कुशलता भी आवश्यक है, स्कूल का वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए, एक शिक्षक का भी आदर्श गुण होना चाहिए। क्योंकि देखो, बालक क्या है? एक बालक के लिए, एक शिक्षार्थी के लिए शिक्षक ही उनका रोल मॉडल होता है, है ना। इसलिए शिक्षक का गुण भी आदर्श होना चाहिए। पुरस्कार और दंड ये भी जरूरी है, आवश्यकता पड़ने पर, यह एक सीमित होता है ना, आवश्यकता पड़ने पर ही पुरस्कार या दंड का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, ये सभी। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक चार देखते हैं। तो एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है ए, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी, विषय वस्तु पर अधिकार, सी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, और डी, उपयुक्त सभी। तो एक आदर्श अध्यापक, तो एक आदर्श अध्यापक में क्या गुण होगा? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण अर्थात लोकतंत्र, अर्थात प्रत्येक बालक को समान दृष्टि से, अर्थात कोई भी बालक कम बुद्धिमान है या कोई बालक अधिक बुद्धिमान है, इस प्रकार से हम उनकी आकलन न करें बल्कि सभी बालक को समान दृष्टि से देखें। तो यही क्या है आपका? लोकतंत्रात्मक है, है ना। बी, विषय वस्तु पर अधिकार, तो उस शिक्षक का अपने विषय वस्तु पर समुचित अधिकार होना चाहिए। तीसरा, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सी, है ना, तो उनका बाल मनोविज्ञान अर्थात बालक के मन को समझने की उनमें जो एक क्षमता है वो होना चाहिए एक शिक्षक में। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक पाँच देखते हैं। तो पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10-11 वर्ष में, है ना, अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके, यह कथन है। देखो, यह एक कथन है, पिछड़ा बालक से संबंध है ना। तो पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य, अर्थात 10-11 वर्ष की उम्र में, अपने आयु के अनुरूप सामान्य कक्षक से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। तो यह कथन किसने दिया था? ए, सिरिल बर्ट ने, बी, टर्मन, सी,
टेलर और डी मारंटेस। तो इसका उत्तर होगा ए सिरिल बर्ट ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 6 है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा एक शिक्षक हो आप, है ना, तो आपसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ए प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, बी उसे डांटेंगे, सी उससे बात करेंगे या डी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका उत्तर होगा सी उससे बात करेंगे, है ना। बात कैसे करेंगे कि बच्चों से हम उस बच्चे से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि तुम ऐसा व्यवहार करते हो, या उनके उनके व्यवहार के पीछे की एक कारण को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 7, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेद ए संवेदी संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, एनसीएफ 2005 की संतुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ए लिखित परीक्षण के आधार पर, बी मौखिक परीक्षण के आधार पर, सी लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, डी प्रेक्षण के आधार पर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, अवलोकन के आधार पर, है ना। डी इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रश्न क्रमांक 10 कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। ए रेडियो से, बी दूरदर्शन से, सी कंप्यूटर से या डी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो कोमल शिल्प उपागम के उत्तर होगा डी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। प्रश्न क्रमांक 11, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांश ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि ए वह उच्च बुद्धि वाली है, बी वह उच्च अनुशासन प्रिय है, सी वह हास परिहास वाली है या डी वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका उत्तर होगा डी वह संतुलित व्यवहार रखती है। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। फर्स्ट, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। सेकंड, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। थर्ड, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका आंसर होगा बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। प्रश्न क्रमांक 13, विद्यालय का कार्य होता है ए संस्कृति का संरक्षण, बी संस्कृति का परिष्करण, सी संस्कृति के प्रति प्रतिरूपों का निर्माण या डी उपरोक्त सभी। तो विद्यालय का कार्य क्या है? इन सबको सहेजना विद्यालय का कार्य है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है ए धर्म, बी शिक्षा, सी सरकार या डी जाति। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक शिक्षा है ना। देखो, यदि समाज के लोग शिक्षित नहीं हैं तो समाज में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है, और यदि समाज में शिक्षित लोग हैं या समाज में यदि समाज को शिक्षा दी जाए तो समाज में होने वाला परिवर्तन बहुत ही तीव्र होने लगता है। उनमें रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं वो खत्म हो जाती है, और शिक्षावादी जो विचारधाराएं हैं वह समाज में बढ़ने लगता है। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि
बाधितार्थ संस्थान NIBH स्थित है। ए शिमला में, बी कोलकाता में, सी देहरादून में या डी दिल्ली में। तो इसका उत्तर होगा सी देहरादून में। प्रश्न क्रमांक 16, शिक्षा का प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा के प्रक्रिया के अंग क्या है? ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्यक्रम या डी ये सभी। तो शिक्षा के लिए एक शिक्षक का भी आवश्यकता होती है, शिक्षक भी आवश्यक है, शिक्षार्थी अर्थात सीखने वाला बालक विद्यार्थी है ना, तो विद्यार्थी की भी आवश्यकता होती है और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। एक शिक्षक क्या सिखाएगा? उसके पास एक सीमित एक पाठ्यक्रम होगा तभी तो वह सिखाएगा, और किसे सिखाएगा? बालकों को सिखाएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए ए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बी योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, सी केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या डी केवल सीखने की योग्यता। तो प्रभावी एवं स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास बी योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, देखिए ए कूट संकेतन से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो इसका उत्तर होगा ए ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। तो क्या है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ए सुकरात, बी फ्रॉबेल, सी किलपैट्रिक या डी अरस्तु। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल है ना। क्वेश्चन 20, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है ए 120 से अधिक, बी 85 से कम, सी 120 से कम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, इसका उत्तर होगा बी। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है ए अधिक महत्वाकांक्षा, बी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, सी विस्तृत शब्दकोश या डी ये सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों में ये सभी विशेषताएं होती है। सृजनवाद में, तो सृजनवाद में क्या होता है? ए बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग होते हैं, बी शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है और सी शिक्षा बाल केंद्रित होती है, डी शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद या रचनावाद इसी को बोलते हैं, इसमें शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित होती है, इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बी बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, सी बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए या डी जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होगा? इसका उत्तर होगा ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्या दिए जाए, सी कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके या डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए। तो बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए इसका उत्तर होगा सी कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 26, भारत का शिक्षक इतिहास में किसके प्रायोगिक शिक्षा पर अर्थात शिक्षा से संबंधित भारत में इतिहास पर भारत के इतिहास में किसने शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था है ना? तो संबंधित बिल या कोई भी धारा इंपीरियल काउंसिल ने प्रस्तुत किया था, शिक्षक
शिक्षा के इतिहास से संबंधित जो बिल है या धारा है किसने प्रस्तुत किया था? ए कपिल सिब्बल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सी गोपाल कृष्ण गोखले है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ौदा नरेश सईदराव गायकवाड़ से प्रभावित होकर केंद्रीय धारा सभा के समक्ष मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी बिल प्रस्तुत किया था। प्रश्न क्रमांक 27 है, मूल्यांकन से अभिप्राय है ए छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, बी छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, सी छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना या डी स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन से तात्पर्य है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, अर्थात मूल्यांकन क्या है, बालकों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या कमी रह गई है ना, ये जानना क्या है मूल्यांकन है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? ए नृत्य कला केंद्रित, बी हस्तकला केंद्रित, सी पुस्तक कला केंद्रित या डी संगीत कला। तो बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी ने हस्तकला केंद्रित पर बल दिया है, बी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 29 है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है, शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या डी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो इसका उत्तर होगा सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? तो एक कूट प्रश्न है, कूट संकेतन वाला। तो इसका उत्तर होगा ए, जिसके अंतर्गत पहला, दूसरा और तीसरा आएगा। तो ये था आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। और इसके बाद मेरा वीडियो प्रैक्टिस नंबर 4 बाल विकास पर ही आएगा, जिसे आप कंप्लीट वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।